उम्मीद है कि कल शायद ये बारिश ने सारी की सारी, कल बारिश बहुत तेज आई और ये शायद रास्ता दे दूं, दे दिया हाँ। अरे पता क्या हुआ, देखो कल ये शायद बारिश से पानी गिरा और ये गमले की मिट्टी शायद बाहर आ, बालू निकल जाता है। अभी साफ करवाना पड़ेगा पूरे में, ये यहाँ मिट्टी मिट्टी हो गई। बोला तो इसको बाहर आके चढ़ा करो। किस वजह? हाँ डॉगी से होते हैं ना, उनके बाल होते हैं उसमें, उधर रख दो ऊपर। सो हाय गाइस, आज हम करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट अनबॉक्सिंग ऑफ द डे। सो खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो ये भी पार्सल मैंने अमेजोन प्राइम से ही मंगवाया है, जो कि मुझे 2 दिन में रिसीव हो गया था। मैं कल गई हुई थी बिलासपुर, उस टाइम ही आया था, तो इसलिए आज इसकी अनबॉक्सिंग थोड़ा सा लेट हो रही है। सो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। सो ये है एक परफ्यूम जो कि बेला वीटा ऑर्गेनिक्स ब्रांड की तरफ से है। फ्लोरा इसका फ्लेवर है एंड इट इज़ स्पेशली फॉर व्यूमेंस। तो खोल के देखते हैं कैसा है। अच्छी खुशबू। रोमियो रोमियो, खुशबू कैसी लगी इसकी? खुशबू कैसी लगी? हमारे मतलब का नहीं है तो हम नहीं बताएंगे हमें कैसी लगी। कितने हमारे मतलब ये भी समझ गया कि इसके मतलब की चीज़ नहीं है। नो नो नो, ऐसे कर दे, फिर से कर दे। नहीं बहुत तेज नहीं है बारिश, बिल्कुल भी बहुत स्लो बारिश, बहुत ही स्लो बारिश हो रही है। ओ नो, कोई बात नहीं, ये इसका अभी का काम है। हाँ ये बिल्कुल धीमे 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 बारिश होती हुई और ये हमारी वहाँ पे गाड़ी धुल जाएगी, काफ़ी गंदी हो गई थी ये देखो। एंड ये हमारा पार्क बिल्कुल एकदम ग्रीन, स्कूटी भी तो हमारी है। ये देखो पेड़ यहाँ पे एंड दूसरा पेड़, ये स्कूटर भी धुलते हुए फ्री में। एंड सारी घास अभी बिल्कुल हरी हरी हो गई है, अब इसको अगर एक बार काट दिया जाए तो नीचे वाली घास जो है उसको भी पानी मिल जाएगा। ओ हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। और आज बारिश का मज़ा हम ले रहे हैं ऊपर धड़ल्ले से, पता नहीं क्या घुस गया मुँह में ऐसे। एंड ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, हल्की फुल्की बारिश है, लेकिन बादल बहुत ख़तरनाक है ऊपर, आपको दिखाई दे रहे होंगे अभी, मैंने बादल को फोकस कर दिया, बहुत ज़बरदस्त बादल हैं। अब देखते हैं कितनी देर में बारिश आएगी। एंड पीछे का मैंने अपना बैकग्राउंड तो आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है और ये एक ट्रायल है, प्री वेडिंग होती है, हाँ। वैसी प्री बारिश में भीगना हाँ। हो रहा है और इसका एक ट्रायल है कि बारिश आ जाए एंड ये बारिश के मज़े ले सके, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। और चलते हैं वापस नीचे और क्या करें, अभी यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, तो नीचे ही चल के अपना वेट करेंगे या कुछ और काम कर लेते हैं तब तक। रोमियो को यहाँ पे इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि बाहर के मौसम के मज़े भी ले सके और ऊपर ना जा सके, क्योंकि ऊपर है जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, बिजली चमकती है, बहुत ज़बरदस्त बिजली यहाँ पे चमक रही थी और इसका रंग है काला, ऐसा बोलते हैं कि काले रंग के ऊपर बिजली गिर जाती है, इसीलिए इसको यहाँ पे छुपा के बांधा हुआ है। अंदर नहीं बांध रहा अंदर, क्योंकि गर्मी है यहाँ पे, अच्छा मौसम है और ये अभी यहाँ पे बैठा रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टाइम लैप्स बहुत पसंद आए होंगे और फ्यूचर में फिर देखते हैं कि अगर इन केस थोड़ी तेज़ बारिश होती है तो देन फिर से बनाएंगे।
तो मैं अभी ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा था एंड फ़ोन एकदम से नीचे गिर गया पानी के अंदर। थोड़ा सा क्या हुआ, अभी जो टच है पानी लगता है तो टच थोड़ा कम काम करता है, लेकिन फ़ोन वाटरप्रूफ था तो बच गया है। और अभी जो टाइम लैप्स मैंने बनाए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और एक स्लो मो भी है, उसमें देखना कैसे ड्रॉप्स नीचे आ रही हैं। बस अभी इतना ही, देन अभी देखते हैं कि बारिश आ जाती है जो ही तो फिर ऊपर जाएंगे। अभी एकदम से फ़ोन गिर गया था पानी में, देन फिर मैंने उसको निकाल तो लिया। जो जैक वाली साइड होती है वहाँ से पानी में गिरा था और उसमें थोड़ा सा भी पानी चला गया, तो जो मैंने माइक लगाया था एक्सटर्नल वो काम नहीं कर रहा था, तो भी मैंने उसको हटा दिया है। अभी जो नेक्स्ट जो आप क्लिप देखेंगे उसमें वो जो जैक है वो काम नहीं कर रहा है, आप देखना। लेकिन थोड़ी देर के बाद सूखने के बाद वो काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक दो बार पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं तो मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। एंड अभी करते हैं हम अपने वीडियो को कंटिन्यू और देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। अभी माइक से मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ ये माइक, और अभी आप लोगों को पता लग जाएगा कि वॉइस कैसी आ रही है। शाम का टाइम हो गया अभी, और अभी टिंगू के दवाई लेने की बारी आ रही है और टिंगू गायब हो गया। कहाँ है टिंगू? कहाँ है? नीचे वो देखो, वो लेटा हुआ है। ये और ना ये रोमियो को टिंगू की दवाई खाने का बड़ा शौक है, अभी खाएगा टिंगू दवाई। ये इसका स्टाइल है दवाई खाने का, अब ऐसे तो खाएगा नहीं, इसके मुंह में रख के आनी पड़ती है। टिंगू टिंगू चल यार जल्दी से सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है और रात का टाइम हो गया है काफी लेट, एंड हमें सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है बिल्कुल भी। सही कह रहे हो यार, उठा नहीं जाता बिल्कुल भी। चलो फिर जल्दी से ना सो जाती हूँ। अरे यार सो तो जाती हूँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली ये है, लेटने के बाद रात में नींद ही नहीं आती। कल परसों भी रात के 1 बज गए थे 2 बज गए थे लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, एक तो दिन भर का ऑफिस का काम स्ट्रेस, एक तो शोल्डर्स इतने पेन करते हैं, ऊपर से नींद नहीं आती। आई थिंक दिस इज वर्क स्ट्रेस। पता नहीं, एक चीज़ है बड़ी मज़ेदार, दिखाओ। उसको यूज़ करने के बाद है ना आदमी का स्ट्रेस है ना जीरो हो जाता है एंड अच्छे से बहुत अच्छी नींद आती है। पहला तो है ये स्ट्रेस रिलीफ, इसको आप अपने रिस्ट पे एंड ये जो फेस का कुछ एरिया है वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे आप। ये कहाँ से लेकर आए हो आप? ये मैंने मंगवाया था और दूसरा मिस्टिक लिविंग ब्रांड से, एंड दूसरा है डीप स्लीप, ये भी इसके सिमिलर ही है लेकिन इसकी अलग ट्रीटमेंट होती है एंड इसकी अलग ट्रीटमेंट होती है, दोनों का जो रोल है वो डिफरेंट। और रियली देखने में तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो दिस इज अ डीप स्लीप एंड दिस इज अ स्ट्रेस रिलीफ। इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, स्ट्रेस तो पैकेजिंग देख के निकल जाएगा। यस एग्जैक्टली, पैकेजिंग इतनी अच्छी लगी मुझे तो देखने से, जैसे ही आप बॉक्स लेकर आए ना, आई रियली लव द पैकेजिंग। फ्रॉम द के डिब्बे पे लिखा है नेचर्स पर्सपेक्टिव, सो आप लोग समझ ही सकते हैं देखने से। सो दिस इज अ स्ट्रेस रिलीफ रोल ऑन। मेनली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर असेंशियल ऑयल्स है। तो जिसको नहीं पता है, असेंशियल ऑयल्स जो होते हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट। नेचुरली आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसको रिलैक्स करता है एंड इट हेल्प्स यू टू गेट अ गुड स्लीप। एंड जब आपको एक अच्छी नींद आएगी तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम रहेगा और आप नेक्स्ट डे बहुत एक्टिव फील करोगे, राइट? इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, आप यू विल फेल इन लव। वाओ, जस्ट अमेजिंग। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टिक लिविंग फॉर सेंडिंग मी सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट। आज के व्लॉग की करते हैं हम यहीं पे एंडिंग, एंड छोटा सा हमारा व्लॉग था, बारिश का कुछ सीन था, कुछ बादलों का सीन था। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके भी बताना कि कैसा लगा। और बस आज यहीं पर ख़त्म करके सो जाते हैं और फिर से मिलेंगे आपसे दोबारा से नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।